मृग तृष्णा अध्याय 57। वकील अजीत मेहरा के मर्डर ने सारे देश को हतप्रभ कर दिया था और सबसे अधिक तो मनोज मिंथ और राजीव राय को। वैसे तो इस देश में किसी की हत्या होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इस हत्या में कुछ खास बातें थीं। कारण ये था कि उसके बंगले से प्राप्त सीमित इंफॉर्मेशन ने यह सिद्ध कर दिया था कि वो आईएसआई का एजेंट था। मिंथ और राजीव एक बार फिर आश्चर्यचकित थे कि इसे मारने वाला कौन हो सकता है, हमारा दुश्मन या दोस्त। ऐसा पहली बार हो रहा था कि घटनाएं चुपचाप घटित हो रही थी, लेकिन मिंथ और राजीव के पास इनका पुख्ता सूत्र फिलहाल नहीं था। कातिल कोई भी हो पर दोस्त ही होना चाहिए, क्योंकि उसने आईएसआई के एजेंट को मारा है। पर यदि वास्तव में ऐसा है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा। ऐसी ही बातों पर मिंथ और राजीव राय में व पूरे देश में चर्चा जारी थी कि अचानक एक बड़ा धमाका हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का धमाका, जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया था कि गोली उसी रिवॉल्वर से चली है जिससे प्रोफेसर हंस, उनके दोनों बेटों और दिव्या केसर को कत्ल किया गया है। और यह सूचना निश्चित रूप से अप्रत्याशित थी, क्योंकि अब तो मिंथ भी यहां निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वो जो कोई भी है, वो दोस्त है या दुश्मन, आखिर चाहता क्या है। क्योंकि यदि इस व्यक्ति ने आईएसआई एजेंट अजीत मेहरा को मारा है तो प्रोफेसर हंस गंगवार और दिव्या केसर को भी इसी व्यक्ति ने मारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति चुपके चुपके आईएसआई के एजेंट्स को मार रहा हो। तो फिर प्रोफेसर को क्यों मारा, दिव्या केसर को क्यों मारा, कहीं ये दोनों भी नहीं, ये तो संभव नहीं है। रात के पहरेदारों के अनुसार डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी भी कहीं नहीं गया था। ये कहकर दोनों पुलिस मैंस ने निश्चित रूप से अपनी अक्षमता ही छिपाई थी, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि वे सही से अपना काम नहीं कर पाए हैं। उनके अनुसार वास्तव में डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी बंगले में ही था। अचानक मनोज मिंथ के मस्तिष्क में एक विचार ने जन्म लिया। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी आईएसआई का एजेंट है, तो क्या उस पर भी जानलेवा हमला हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए बोल दिया जाए। हाँ, यही ठीक होगा, मनोज मिंथ सोचता जा रहा था। बीते कई घंटों से वो लगातार व्यस्त था, अब तक वो बहुत थक चुका था, वो सोना चाहता था, क्योंकि सारी रात जहां उसने व राजीव राय ने उपलब्ध तथ्यों पर गौर किया था, वहीं अमजद इस्लाम के बंगले की निगरानी स्वयं की थी, जिसका फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन फिर भी उन्हें अब भरोसा हो चला था कि वे अपनी मंजिल से बहुत दूर नहीं है। मिंथ का कहना था कि चतुर्वेदी और अमजद इस्लाम के अतिरिक्त कम से कम कोई एक व्यक्ति अवश्य है जो सक्रिय भी है और हम उसके बारे में नहीं जानते। यही कारण है कि मंजिल के इतना करीब होते हुए वे बार बार पास से निकल भर जाते हैं। घटना हो जाती है, पता लगता है कि ऐसा हो गया है, जबकि इन घटनाओं के होने के सभी सूत्र आसपास ही हैं, बस दिख नहीं रहे हैं। मिंथ जानता था कि एक बार
वे तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएं, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। इसलिए मिंथ के अनुसार घटनाओं का तेजी से लगातार घटित होना उसके लिए फायदेमंद था, क्योंकि वो जानता था कि ये तो संभव ही नहीं है कि कातिल एक भी गलती ना करे। फिलहाल 3-4 घंटों की नींद के बाद जब मनोज मिंथ और राजीव रॉय सोकर उठे, तो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले दोनों ने डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी के बंगले की तरफ रुख किया। वहां उपस्थित पुलिसमैन को कुछ निर्देश देने के बाद एक फोन टैप करने वाली मशीन का इंतजाम किया। दोनों ही ये निर्णय ले चुके थे कि अब वो डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी और अमजद इस्लाम के फोन टैप करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल तो उन्हें राजनगर में बढ़ती असुरक्षा की वजह से किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लेना था, लेकिन वे राजनगर की सड़कों पर निकल पड़े। अध्याय 57 समाप्त होता है।